अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो यार आज की वीडियो यहाँ से बल्कि दूसरी वीडियो। तो यार हम फैसलाबाद स्टेशन के पास पहुँच गए यार। बड़ी मुश्किल से दोस्तों हम आए, वैगन में जगह ही बहुत कम थी, टांगे थकी हुई हैं। तो ये बिल्कुल हम चैनल के पास पहुँच गए। तो ये साइड पे हमारा स्टेशन, तो ये सीधा GTS अड्डे की तरफ जाती है, और ये स्टेशन की तरफ, ये बाजार की तरफ। होने लगे हैं ये स्टेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे चेक इन करवाएं, तो हमने तो करवानी नहीं है, हमारे पास ना बाइक है ना कार। भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा और आतिफ का। तो ये देखिए इंजन यहाँ पे खड़ा किया है। लेटर कहाँ से होना है? इधर से होना है, इधर से जा रहे हैं लोग। फुल प्यास लग गई भाई, थक गए हमें। शेरा तुम्हें कोक पिलाते हैं? शेरा भाई 15 किलो का बैग मेरे कंधे पे। चलो भाई मशीन के अंदर से गुजरना है। ये मशीनें बंद है भाई। अच्छा बंद पड़ी है। हाँ, चलो साइड से गुजर जाते हैं। आ रही है बाबा अहमदाबाद। दो छोटी दो पानी की बड़ी टिकटें ले ली हमने। दो बड़ी करी सीट नंबर, कोई चीज़ नहीं ऊपर लिखी। तो भाई यहाँ पे 340 लिखा है, लेकिन हमसे इसने चार्ज किए 1100। यार ये तबाहकुन जो है ना निज़ाम है धोखा रेलवे का। गुजर खान ये भी है क्या? चलो भाई खान भी इंटर हो गए। ये ट्रेन हमारी नहीं है, अभी हमारे वाली आनी है। यार टिकटें तो हमने ले ली हैं, वो कह रहा गार्ड आएगा फिर वो सीटें देगा, हमें एक जगह पे चाहिए तीनों। इसमें ये तो और जानी है। अब आती को सुसू आया तो वाशरूम ढूंढ रहा। ये चीज़ दोस्तों फर्स्ट एक्सपीरियंस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम। भाई ये चीज़ जो है ना ये चार्जिंग वाली है, मैंने अभी देखी है यहाँ पे। पहले भी मैं आया था एक बार, सिर्फ स्टेशन पे आया तो मैंने सफ़र नहीं किया। तो ये चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर नहीं है, फुल है मेरे मोबाइल दोनों। यार ट्रेन आई नहीं है। आ गई है, ये जा रही है। अच्छा ये हॉर्न लगा रही है। हाँ। मैंने समझा आ गई है। हाँ 200 ये भी पिंडी जा रही है। ये 7:00 पता नहीं 5 मिनट पे निकलनी थी आई थिंक, बाद में 7:35 में निकलनी थी तो लेट हो गई। लेट हो गई। तो ये पाकिस्तान की रेलवे आपको पता है अक्सर लेट हो गया करती हैं। ये तो, है रहमान बाबा एक्सप्रेस। हाँ जी, तो पाकिस्तान रेलवे होनी है उस साइड पे। ये बारी इसमें 200 सवारियाँ नहीं है, ये इसमें कोई इंजन है, जनरेटर वगैरह चल रहे हैं पूरी ट्रेन के, जनरेटर AC वगैरह जो कुछ भी है ना इसके अंदर है। 200 पहले हम इस साइड पे थे, हमने जाना है उस साइड पे। तो हमारी ट्रेन इस तरफ को जानी है, ये रूट है, और ये वाला लाहौर की तरफ से जाएगी पिंडी को। आती भाई गया हुआ वाशरूम में, पानी नहीं आया तो बेचारा पीने वाला पानी खरीदेगा फिर जाएगा। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, इतना बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे पानी नहीं है फैसलाबाद का। जाओ भाई साहब आप, ठीक है जाएँ। मुझे पकड़ा दिया सामान, कुछ लेने जा रहे हैं। ये अकेला इंजन ही घुमाई जा रहे हैं, वो यहाँ पे खटारा बनी हुई है ट्रेनें, दूर से दिखती हुई खूबसूरत लगती है। गंद देखी, सारी पटरियों के साथ गंद ही गंद है। दोस्तों मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, खुद ही पानी भी ले आएंगे सब कुछ। मैं तो यार जाके बैठूँ वहाँ पे, थक गया हूँ मैं तो। बहुत लंबी ट्रेन है भाई, कम से कम 20 डब्बे होंगे। बैठना कहाँ से? बैठते हैं जरा, बहुत ज़्यादा दरीद हो रहे हैं यार, हमें सीट नहीं मिल रही, ना पता चल रहा बैठना कहाँ पर। फ्रंट पे आ गए हैं हम। पहली और आखिरी वाली सफर भाई, सेंटर में खड़े हो गए डब्बे के, कोई सीट नहीं भाई। ये देखो बाकी लोग सफर करो। पहली दे आखिरी बारी
ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋ ਲੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਆ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਟੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬੇ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਕਮ ਕਮ 20 ਡੱਬੇ ਤੇ 10 ਉਤਾਰਦੀਆਂ 10 ਆ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਉਹ 10 ਮੇ ਸੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਡੱਬੇ ਮੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ कराची से आई है पंजाब से ये कराची से निकली है पूरा पाकिस्तान घूमते घूमते तो भाई ये वो यहाँ पे सारी ये ट्रेन जो है ना वो लाइव नज़र आ रही हैं हमारी ये वाली है पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 नंबर तो ये देखा सवा से निकली है तो यहाँ पे कांगड़ा ही पहला स्टेशन इसका 47 किलोमीटर स्पीड है इसकी तो ये गुजरती गुजरती हमें जाना है ये हाफजाबाद से गुजरेगी गुजरात जेहलम और हमें जाना पिंडी में इस्लामाबाद में ठीक है तो ये दोनों साथ साथ ही शहर तो ये पेशावर तक जाती है लेकिन ये यहीं तक जाएगी पिंडी तक ये पेशावर तक देखते हैं ट्रैक बना हुआ है काम सफर ऐसे ही गुजरेगा ना हादो हादो चल पड़ी Thank you.
चलो भाई फाइनली हम आ गए हैं। तो ये देखो ये हम बताते हैं जी, पहले उतर के बताता हूँ मैं आपको कहाँ पर आया हूँ। चाचा चाचा हमने चलो भाई हमें ट्रेन ने उतार दिया। तो आती चेन खींचने लगा था, 3000 रुपये नीचे जुर्माना लिखा था इसको। मैं बोला मैं ना खींचने तो 3000 पड़ जाने तुम्हें, वैसे भी ट्रेन रुकने वाली। तो भाई ये वाला स्टेशन मुझे प्यारा लगा है, बाकी जितने भी स्टेशन पीछे देखे हैं ना इन मानो गंद मचा हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पे दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। ये 200 गुजर खान है, तो यहाँ से आगे जाना है हमने। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है भाई, बहुत ही पीसफुल सिटी और स्टेशन है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। तो अभी फ़ोन किया हमने, ये है जी मुसाफिर खाना, साथ ही तस्वीरें खींच रहा है जी बुज़ुर्गों की। तो यार जलील तो हुए हमें लड़के, फिर हमें कैबिन मिला, उसके बाद आप कह लें कि पैसे ज़ाया नहीं गए। सीनरी और नेचर बहुत प्यारी थी, यकीन माने शोर ज़रूर था लेकिन हमारे पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुए। बस यही देखना था हमने, एक बार ट्रेन का सफ़र करना था। चलो बस पे आते लेकिन हमें कोई इस तरह की सीनरी वगैरह नहीं नज़र आनी थी जो हमने देख लिया हुआ है। यार एक चीज़ नोट की है, वो अंदर मशीन लगी है दोस्तों। यार ऑनलाइन टिकट मिलती है, कार्ड से भी, मेरे ख्याल से थंब से भी, कोई इस तरह का सिस्टम है। एक छोटा सा स्टेशन और छोटा सा सिटी, उसका इतना बड़ा फैसला बस छोड़ गए हैं। गंदी गंद कुछ भी नहीं था सिवाय चार्जिंग मोबाइल बस। चूना लगा वो दिखा दो, चूना ये पकड़ के भाई। चूना क्या लगा है, क्या कर रहा था मैं, शोकी मार रहा था। हाँ शोकी मार रहा था, एक टिकट इसने गिरा दी है। यार मैंने दो टिकट ना जेब में थी, एक निकाली मैंने वीडियोस बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए। वो हवा का बुल्ला सा आया, ट्रेन तेज थी, एक टिकट गिर गई। फिर क्या मुझे जुर्माना पड़ा, 1010 रुपये दोबारा देने पड़े मुझे और नई टिकट लेनी पड़ी अंदर। मैंने उसको कहा यार कोई ले दे के ये देखो ना रिपोर्ट चट्ठा की उसने दे दी बाद में, ये किसी की टिकट है उसने यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दी है, पहले जो हमारे पास थी वो गुजर खान। तुम भी शौकी मारते थे जेब भी से नहीं जेब से निकाल, मैं कह भी रहा था कि यार हाथ से गिरना चाहिए तो गिर गई इतने में, ये वाली थी पहले हमारे पास। तो यार आज की वीडियो यही खत्म कर देते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट डाल भी कर दें।